गाइस वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज की वीडियो इंफॉर्मेटिव होने वाली है उन लोगों के लिए जो कि बीएड में एडमिशन लेने वाले हैं या फिर जिनका बीएड सेकंड ईयर चल रहा है कुमाऊं यूनिवर्सिटी से। तो उत्तराखंड में कुमाऊं यूनिवर्सिटी के स्कॉलरशिप फॉर्म के बारे में आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं स्कॉलरशिप की डेट। तो स्कॉलरशिप की डेट किसी भी साल में फिक्स नहीं है क्योंकि ये जो वेबसाइट है एनएसपी पोर्टल के द्वारा ही स्कॉलरशिप फॉर्म भरे जाते हैं बीएड के लिए और इसकी कोई भी फिक्स डेट नहीं है। जब 2022 था तो उस वक्त इसकी जो डेट थी वो जून जुलाई से स्टार्ट होके जनवरी 2023 तक इसकी डेट चली थी, ठीक है। लेकिन इस बार अभी नवंबर आ चुका है और अभी तक कोई भी स्कॉलरशिप के फॉर्म नहीं आए हैं, लेकिन आने वाले हैं क्योंकि प्री मैट्रिक के आ चुके हैं। प्री मैट्रिक यानी कि जो ग्रेजुएशन से पहले जिनको भी स्कॉलरशिप चाहिए यानी कि इंटरमीडिएट तक, तो उन लोगों के फॉर्म आ चुके हैं और पोस्ट मैट्रिक के भी अभी कमिंग सून उसमें दिखा रहा है, तो यानी कि आने वाले हैं। इसीलिए आप अपने सारे सर्टिफिकेट को तैयार रखें और सभी अगर आप एक साथ रखेंगे तो आपको उस वक्त फटाफट से अपने फॉर्म भरने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो स्कॉलरशिप की डेट का आपको समझ में आ गया है कि इस मंथ के लास्ट में आपके स्कॉलरशिप के फॉर्म आ सकते हैं और आपको कहाँ से मिलेंगे। वेबसाइट है एनएसपी पोर्टल जिसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, तो यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप स्टेट स्कीम में जाकर देखेंगे तो आपको गूगल पे टाइप करना है एनएसपी और जो फर्स्ट वेबसाइट आएगी आप उसको ओपन करना और वहां पर स्टेट स्कीम का ऑप्शन आएगा, वहां पर अपना स्टेट उत्तराखंड को चूज करेंगे और उसमें लिखा आएगा पोस्ट मैट्रिक के आगे सारे डेट्स ग्रीन हो जाएंगी, तो वहां पर से ही हमें फॉर्म को अप्लाई करना होता है अपना रजिस्ट्रेशन करके, ठीक है। अब जो कौन कौन सी कैटेगरी है जो इस फॉर्म को फिल कर सकती है, तो आप सभी को पता है एससी एसटी ओबीसी और जनरल कैटेगरी में ईडब्ल्यूएस में जो भी लोग आते हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो ओबीसी एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस वाले जनरल कैटेगरी के लोग इस फॉर्म को नहीं भर सकते, लेकिन जिसके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए वो एलिजिबल होते हैं वो ही इसको फिल कर सकते हैं। हालांकि जब आपको स्कॉलरशिप का फॉर्म भरना होता है उस वक्त आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं लगता है बल्कि इनकम सर्टिफिकेट लगता है, ठीक है, क्योंकि इनकम सर्टिफिकेट से पता चलता है कि जो हमारे ईयरली इनकम है वो कितनी है हमारे पेरेंट्स की। तो कैटेगरी को हमें पता चल गया है कौन कौन सी कैटेगरी फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबल है। तो जो स्कॉलरशिप होती है वो कॉलेज लेवल पे नहीं दी जाती है, यानी कि कॉलेज के टीचर्स प्रिंसिपल एचओडीज हमें ये स्कॉलरशिप नहीं देते हैं, बल्कि ये हमारी सेंट्रल स्कीम है एक, तो वहां से हमें ये दी जाती है, ठीक है। सेंट्रल से स्टेट में आती है और स्टेट से हमारे पास ये स्कॉलरशिप पहुंचती है, तो कॉलेज लेवल पे ये नहीं मिलती है। इसलिए अगर आप सेमी गवर्नमेंट कॉलेज से अगर बीएड कर रहे हैं या फिर गवर्नमेंट से कर रहे हैं या फिर एनआरआई से कर रहे हैं या फिर प्राइवेट कॉलेज से कर रहे हैं, तो सभी कॉलेज के स्टूडेंट्स इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसमें कॉलेज का कोई लेना देना नहीं होता है, लेकिन जब आप इस फॉर्म को फिल करेंगे तब आपको बोनाफाइड सर्टिफिकेट पर सिग्नेचर करवाने होते हैं अपने कॉलेज के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट यानी कि एचओडी से। तो जो भी आपके हेड होंगे डिपार्टमेंट के बीएड डिपार्टमेंट के उनसे सिग्नेचर करवाने होते हैं, इसलिए इस फॉर्म को भरने से पहले आपको एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनवाना होता है इस पर सिग्नेचर होंगे। और साथ ही फॉर्म भरने के बाद भी एक और बोनाफाइड सर्टिफिकेट होता है जो आपको ऑनलाइन ही निकालना होता है, उस पर भी स्टैम्प और सिग्नेचर होते हैं। तो ये दो काम है जो आपको अपने कॉलेज से करवाने होते हैं, ठीक है। तो कैटेगरी का हो गया, डेट पता चल गई, वेबसाइट पता चल गई, सर्टिफिकेट आपको सबसे इम्पोर्टेंट इन्हीं को देखना है कि कौन कौन सर्टिफिकेट आपको चाहिए, क्योंकि कुछ सर्टिफिकेट ऐसे हैं जो आपको पहले से ही बनवा के रखने हैं, जैसे कि इनकम सर्टिफिकेट आपके पास पहले से ही होना चाहिए, क्योंकि इनकम सर्टिफिकेट की जो एलिजिबिलिटी होती है वो एक साल की होती है, पहले 6 महीने की थी लेकिन अब 1 साल की हो चुकी है, इसलिए अपना इनकम सर्टिफिकेट बनवा के रखें जो कि जिसकी डेट एक्सपायर ना हुई हो, ठीक है। बोनाफाइड सर्टिफिकेट आपको कॉलेज से ही, कॉलेज के ही एचओडी देंगे, कॉलेज की जो भी स्कॉलरशिप देखते होंगे वो सर आपको बोनाफाइड सर्टिफिकेट देंगे और अपना सिग्नेचर उसमें करके देंगे, ठीक है। और आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, फीस स्लिप होनी चाहिए आपकी, जो आपने करंट में फीस पे की है उसकी फीस स्लिप होनी चाहिए,
जो कि आपकी ऑनलाइन निकल जाती है, तो आप निकाल भी सकते हैं उसको, ठीक है। और फोटो आपके पास होनी चाहिए, मार्कशीट आपके पास यूजी या फिर पीजी के होनी चाहिए। जैसे कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद बीएड करते हैं, और कुछ ने यूजी के बाद ही किया होता है, बीए बीकॉम पीएससी के बाद किया होता है। तो ये मार्कशीट आपके पास, इसकी फोटो होनी चाहिए और आपने सिग्नेचर होनी चाहिए, ठीक है। तो फीस स्लिप, इनकम सर्टिफिकेट आप तैयार रखें पहले से ही, ठीक है। ये हो गए हमारे सर्टिफिकेट। अब बात आती है ऐसे बच्चे जो कि अभी जब एडमिशन कर रहे हैं, तो अगर उन लोगों ने ये सर्टिफिकेट नहीं लगवाए हैं, जैसे जो लोग सेकेंड ईयर में आ चुके हैं, तो उन लोगों ने अगर एडमिशन के वक्त ये सारे सर्टिफिकेट नहीं लगवाए हैं, और कुछ लोगों का डाउट होता है कि उन्होंने ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं लगवाया है, तो आप वो क्या स्कॉलरशिप के फॉर्म को भर सकते हैं? तो वो बिल्कुल भर सकते हैं, क्योंकि मैंने ये पहले भी बताया कि जो ये स्कॉलरशिप होती है वो कॉलेज लेवल पे नहीं दी जाती है, वो आपकी स्टेट या फिर सेंट्रल लेवल से आपकी स्कॉलरशिप होती है। और उसी वक्त एनएसपी पोर्टल में जब आप अपने स्कॉलरशिप के फॉर्म को भरते हैं, तो उसी वक्त आपको ये सारे सर्टिफिकेट की जरूरत है, और ईडब्ल्यूएस की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं होती, क्योंकि वहां पर ईडब्ल्यूएस का ऑप्शन होता ही नहीं है, वहां पर सिर्फ और सिर्फ आपकी इनकम का ऑप्शन होता है, ठीक है। तो इनकम आपकी पूरे साल के 1 लाख से कम होनी चाहिए, ठीक है, 1-1.5 लाख से आपकी इनकम कम ही होनी चाहिए, ठीक है। फिर एलिजिबिलिटी है आपकी, तो ये सभी कैटेगरी के लोग एलिजिबल हैं, और साथ में एलिजिबिलिटी अलग से इसलिए लिखा है क्योंकि कुछ लोगों का डाउट होता है कि उनके पेरेंट्स जो हैं गवर्नमेंट जॉब में है, या फिर कभी ऐसा होता है कि आपके हस्बैंड जो होते हैं वो गवर्नमेंट जॉब में होते हैं, तो ऐसे में क्या उन लोगों को स्कॉलरशिप मिल सकती है जिनके हस्बैंड या फिर पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब में है? तो देखिए, अगर आप अनमैरिड हैं और आपके पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब में हैं, तो आपको ये स्कॉलरशिप नहीं मिलती है, क्योंकि आपका जो इनकम सर्टिफिकेट है उसमें आपकी इनकम 1 लाख से ज्यादा हो जाती है। और उसी तरह से अगर आप मैरिड हैं और आपके हस्बैंड गवर्नमेंट जॉब में है, तो भी आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। लेकिन अगर आपके हस्बैंड प्राइवेट जॉब में है और आपके पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब में है, तो आपके जितने भी सर्टिफिकेट होते हैं वो हस्बैंड वाले लगते हैं, तो आप तब अपने स्कॉलरशिप का फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। पेमेंट, यानी कि हमें स्कॉलरशिप कितनी मिलती है, तो ऐसा बोला जाता है कि जो जो एससी एसटी कैटेगरी के बच्चे होते हैं, उनको उनकी फीस से ज्यादा ही स्कॉलरशिप मिलती है, और ओबीसी को जितनी आपकी फीस है उतनी स्कॉलरशिप मिलती है, और ईडब्ल्यूएस को फीस का हाफ स्कॉलरशिप मिलती है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन थी बीएड वाले ऐसे स्टूडेंट्स को जो कि कुमाऊं यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं, और बाकी अदर गढ़वाल यूनिवर्सिटी का भी यही सारा प्रोसीजर रहता है, कुछ इसमें डिफरेंट नहीं है, ठीक है। तो हाउ टू अप्लाई, मतलब कि अब आपको अप्लाई कैसे करना है, जैसे ही आपकी इस मंथ डेट आती है स्कॉलरशिप की, तो आपको कैसे अप्लाई करना है वो आपको अब मैं फोन की रिकॉर्डिंग में बताती हूँ। सो गाइज, देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने गूगल पे जाना है और NSP टाइप कर देना है, ठीक है। और फिर सबसे पहली जो वेबसाइट आपको यहाँ पर दिख रही है, इस पर क्लिक कर देना है, और क्लिक करने के बाद आपके पास ऐसा कुछ पेज खुल के आ जाएगा, और जिसमें कि आपको दिखेंगे बहुत सारे ऑप्शंस। यहाँ पर एप्लीकेशन कॉर्नर होता है जिसमें न्यू रजिस्ट्रेशन होता है, जो भी लोग अभी एडमिशन करवा रहे हैं तो उनको फ्रेश एप्लीकेशन पे क्लिक करके यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन करना होता है, ठीक है। और जो पहले के ही हैं तो उनको अपनी ID लॉगिन करनी होती है, ठीक है। फिर उसके बाद आप कैसे चेक करेंगे कि स्कॉलरशिप के फॉर्म्स आ चुके हैं, तो देखिए यहाँ से आप चेक करेंगे, तो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिल जाएंगे, सेंट्रल स्कीम, UGC और स्टेट स्कीम। तो सेंट्रल स्कीम में इतने फॉर्म आ चुके हैं जो कि डिसेबल बच्चों के लिए हैं, लेकिन हमको चेक करना है स्टेट स्कीम से, तो हम यहाँ पर क्लिक कर लेंगे स्टेट स्कीम पे। जैसे हम स्टेट स्कीम पे आ चुके हैं, तो हमको नीचे जाना है और अपना स्टेट चूज़ करना है। तो सबसे लास्ट में उत्तराखंड स्टेट आपको मिल जाएगा, और इस पर यहाँ पर प्लस का आइकन है, तो इस पर हमें क्लिक करना है। क्लिक करते ही हमारे पास कुछ ऐसे पेज खुल के आएगा, जिसमें सबसे पहले है प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर माइनॉरिटी स्टेट सेक्टर उत्तराखंड। तो ये उन बच्चों के लिए है जो 12th क्लास तक है, इंटरमीडिएट वाले बच्चों के लिए है। तो क्लोजिंग डेट इसकी बताई है कि इस महीने के एंड में 30 नवंबर तक इसकी डेट है, और जितने भी डिफेक्टिव एप्लीकेशन वेरिफिकेशन है वो 15 दिसंबर तक इसकी डेट रहेगी, और इंस्टीट्यूट लेवल पर ये 15 दिसंबर तक इसकी लास्ट डेट है। लेकिन फिर उसके बाद हमें कौन सा फॉर्म फिल करना है, जो भी ईडब्ल्यूएस वाले हैं वो ईबीसी वाले,
ठीक है, EWS और EBC एक ही होता है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, और EBC मतलब कि आपका इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, ठीक है, तो दोनों एक ही होता है। तो EWS वाले इस वाले फॉर्म का वेट करेंगे जिसमें अभी ओपनिंग सून दिखा रहा है, यानी कि जल्दी आपके फॉर्म आ सकते हैं, ठीक है। तो पोस्ट मैट्रिक आपको यहाँ से देखना है, और SC के स्टूडेंट यहाँ पर नहीं, ये प्री मैट्रिक वाला हो गया, पोस्ट मैट्रिक ढूंढेंगे और वहाँ से देखेंगे। तो देखिए पोस्ट मैट्रिक ST स्टूडेंट यहाँ से देखेंगे, पोस्ट मैट्रिक वाले SC स्टूडेंट यहाँ से देखेंगे, और OBC वाले यहाँ से देखेंगे। तो सभी में अभी ओपनिंग सून दिखा रहा है, EWS में भी ओपनिंग सून ही दिखा रहा है। जैसे ही ये ओपन हो जाएंगे तो यहाँ से हम इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि आपको कैसे अपने स्कॉलरशिप के फॉर्म की डेट देखनी है कि वो आए हैं या फिर नहीं आए हैं। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।